हाँ तो गाइस, आज हम आपको मिलवाते हैं पुलिस के दो होनहार इंजीनियर से। ओ सॉरी, ये दोनों इंजीनियर कम किताबी कीड़े ज्यादा हैं। हाँ तो गाइस, ये है पुलिस के वो इंजीनियर जो इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी हर काम कर लेते हैं। जिस तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर की दोस्ती थी कभी किसी लड़की से नहीं हुई, उसी तरह की दोस्ती कभी किताबों से नहीं हुई। चलो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। पिया है पानी? हाँ पिया है। ब्रो, कल मैंने ना अपनी 85 की 85 बुक्स का रट्टा मार लिया, आंखों से पानी निकाल दिया पढ़ पढ़ के। बस ब्रो, मैंने तो कल 100 की 100 बुक्स पढ़ डाली। अरे मतलब रट्टा मार दिया। परे नोले ब्रो, मैं नहीं बिठा रहा आपको, ना आप खुद पढ़ते हो ना पढ़ने देते हो। अरे आ ना गगन, तू भी किसके पास बैठ रहा है, नहाता तो है ना सूगलासा। अच्छा तो यो बात है। अरे नहाते तो हम भी ना है, पर वो अलग बात है, हम पता ना लगने देते। अरे तेरा कल का सेशन कैसा गया? अरे गति आम पाचक। मतलब बढ़िया। हाँ जी सर, हो गया कंप्लीट। मास्टर जी, इनका तो अगले साल का भी असाइनमेंट पूरा हो गया होगा। चुप कर बदतमीज, आज तो इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है, कल को यही बच्चे जाके सक्सेसफुल होंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीक से तुम्हारे स्पोर्ट्स है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है अपना जाके नाम लिखवा ले। सारे वेट लिफ्टिंग का भी है ये। है, पर दो चम्मच जूस पी के जाइयो। ब्रो, हम भी करें पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में? नहीं ब्रो, अगर मेरे को बॉल लग गई ना मेरे पेट में सिरदर्द हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहीं बैठ के जीरो काटा खेलते हैं। अगर जीरो काटा खेलते टाइम हाथ में पैन लग गया तो? कोई बात नहीं ब्रो, प्लास्टर चढ़वा लेंगे। ओ यस। अरे तुम भी कर लिया करो पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में, सारा दिन बुक्स में घुसे रहते हो। इन चीजों में पार्टिसिपेट करके ना हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे लिए हमारी बुक्स ही सब कुछ है। वैसे भी भाई, आज के टाइम पे ना डिग्री मैटर करती है, वो भी एक अच्छी परसेंटेज के साथ। अरे यार, हम पास तो जाएंगे ना। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, इतनी तो नॉलेज है कि अपने दम पे पास हो जाए। भड़क लेता रहता तू भी बेखाम खागी। ब्रो मेरे 94% आए। ब्रो वो आपके 94.3% है। अरे देखिए अपने कितने परसेंट आए हैं। रिजल्ट तो आ गया बढ़िया गति। अच्छा मेरा है 59, इसका 60 और तेरे 61। अच्छा बढ़िया हो गया, ये तो जॉब तो मिल ही जाएगी। ओ हेलो, जॉब तुम जैसे 61% वालों को नहीं, हम जैसे 94.3% वालों को मिलेगी। अरे कोई दिक्कत ना है, जॉब मिल गई ठीक है ना, तो खेती कर लेंगे, भड़कना पाला करते हम। आदरे goes by, I don't think about you.
ओहो 61% वाले भी जो भी इंटरव्यू के लिए आए हैं, जब हम जैसों का सिलेक्शन इस लग्जोरियस कंपनी में नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से होगा? चीप पर्सन, ट्राई करने में के जावे। आ गया तू भी खाली हाथ, नहीं मिली ना जॉब। ओ हेलो, पहली बात तो हम देसी औकात कदे खाली होए ना करता, और दूसरी बात आई एम सिलेक्टेड। ये कैसे हो गया? माना कि एक इंजीनियर को जॉब के लिए अच्छे मार्क्स ही होते हैं, लेकिन और चीज़ों का ज्ञान होना भी जरूरी है। एक मास्टर हमें पढ़ा लिखा के अच्छे मार्क्स लेना तो सिखा देता है, लेकिन और चीज़ों का ज्ञान हमें खुद लेना पड़ता है। और आगे की लाइफ जीने के लिए हमारी डिग्री पे छपे हुए मार्क्स नहीं, हमारा ज्ञान जरूरी होया करे। जिसने तम अंग्रेजी में नॉलेज गया करो। लड़ लो, मार्क्स लेने जरूरी हैं, लेकिन नॉलेज के साथ, क्योंकि रट्टा तो एक तोता ही मार लिया करे। बावली तरेड़ बावली तरेड़ जा जीले जिंदगी मारे कशिए ना नाते दुनिया ते परे से। बावली तरेड़।